अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ अवैस मार्केट जो कि इल्फात रोड पर है, तो चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको दिखाती हूँ इस मार्केट में क्या क्या है। जैसे ही मैं इस मार्केट में पहुँचूँ तो इशा की नमाज का टाइम था, दुकानें बंद हो रही हैं। जब ओपन होती हैं तो फिर मैं चलती हूँ आगे। यहाँ पर आपको गोल्ड की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स मिल जाएंगी। चलें जी, अब शॉप्स ओपन हो गई हैं तो यहाँ पे आपको जो है बहुत डिफरेंट किस्म की शॉप्स मिलेंगी। बुर्का की शॉप्स हैं, अच्छा सऊदी नेशनल ड्रेस है उसकी शॉप्स हैं, ट्राउज़र्स लड़कियों की बेतहाशा यहाँ पे शॉप्स हैं और स्टॉल भी जगह जगह पे लगे हुए हैं। अभी मैं एक शॉप के अंदर गई हूँ, यहाँ पर शर्ट्स दिखाती हूँ साथ इनकी आपको कीमत भी बताती हूँ। ये ड्रेस अच्छा लग रहा है गर्मियों के लिए, खुला खुला ट्राउज़र और शर्ट है, प्लेन कलर में भी हैं और प्रिंटेड कलर में भी हैं। ये सिर्फ शर्ट्स हैं, ये शर्ट में अच्छी लग रही है, इसको चेक करते हैं कैसी लग रही है। और इस ये है 30 रियाल में। और जैसे आप बाहर जाते हैं तो आपको जगह स्टॉल्स लगे हुए मिलते हैं। अब ये जो है शूज़ भी हैं, यहाँ पर सैंडल्स भी हैं। ज़्यादातर यहाँ पे स्टॉल पे आपको ख़वातीन ही मिलेंगी, स्टॉल चलाती हुई सऊदी ख़वातीन ही हैं। गर्मियों के लिहाज से ये स्टॉल है और स्टॉल की जो कीमत है 25 रियाल है, क्या पता बार्गेनिंग करने पे कम कर दें। और इस तरफ हर जगह स्टॉल्स लगे हुए हैं, खिलौने भी हैं, जूते और ज़्यादातर जो है सऊदी ड्रेसेस हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा डर लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें साथ साथ आपको आगे भी लेके चलती हूँ। यहाँ पे आपको एक पटियाला शलवार भी है यहाँ पर, और ज़्यादातर यहाँ पर आपको गाउन्स मिलेंगे। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर यह आपको 10 और 15 रियाल में आसानी से मिल जाएगी। बहुत सी शॉप के बाहर सेल भी लगी है, जैसे यहाँ पे ये लगे हैं 10 रियाल के। और अंदर शॉप में जा रही हूँ ट्राउज़र लेने के लिए, वसीम के लिए ट्राउज़र देख रही थी। और भी बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, लेकिन ट्राउज़र्स अच्छे लग रहे हैं जो मैंने ले लिए हैं, रूहान के लिए भी ले लिए। कहीं कहीं शॉप पर कीमत अच्छी मिल जाती है तो बंदा चीज़ बाय कर लेता है, बस थोड़ा घूमना पड़ता है और देखना पड़ता है। लेडीज़ ख़ास तौर पर एक शॉप से चीज़ नहीं लेती, उसको घूम फिर के लेती हैं, इसलिए कभी कभी अच्छी चीज़ आ जाती है। ख़ास तौर पर मैं तो यही करती हूँ कि पहले शॉप से देख लेती हूँ और फिर आखिर में डिसाइड करके चीज़ ले लेती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे आए हुए, टाइम का पता नहीं चलता। यहाँ जब भी आएँ टाइम निकाल के आएँ, आराम से शॉपिंग कीजिए और अच्छी चीज़ लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट खूबसूरत और अच्छी सस्ती जगह लेके जाऊंगी आपको। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।